डॉक्टर अतुल कुमार द्विवेदी की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबके सामने ये एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि हुए समारोह के ऑडियो वर्सन का वीडियो वर्सन है। अपने दैनिक जीवन में जिस कार्य को हम कर रहे हैं, उसमें हमने कितना उसका इस्तेमाल किया, क्या हमारे रोंगटे खड़े होते हैं उन देशभक्तों के शहीद होने पर, तो क्या हम देशभक्ति नहीं कर सकते? क्या वर्दी पहनकर सरहद पर जान देने को ही देशभक्ति कहते हैं? हम देशभक्ति उसको भी कहते हैं कि हम जहां पर हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं, उसमें देश को जोड़ दे। अगर हम अपने कार्य को ईमानदारी से, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं वास्तव में, तो आप भी एक देशभक्त हैं। देश की विभिन्न समस्याओं में अगर हम हिस्सेदारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप देशभक्त हैं। चाहे पर्यावरण को लेकर वृक्षारोपण का काम हो, या किसी गरीब की सहायता का काम हो, या किसी बीमार लाचार की सेवा करने का कार्य हो, या शिक्षण का कार्य हो, या सुरक्षा का कार्य हो, सभी देशभक्ति के दायरे में आते हैं, बशर्ते आप उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हो। भाषण सुन लिया, भाषण समाप्त हो गया, कार्यक्रम हो गया, तालियां बज गई, घर चले गए, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी कुछ जिम्मेदारी है? अपने लिए तो सब जीते हैं, निश्चित रूप से दूसरों को ले जो जीते हैं, वो वही वास्तव में देशभक्त है। हमने अपने कार्यकाल में कितनी तरक्की की, निश्चित रूप से आज देश इसका असेसमेंट कर रहा है। इन 72 वर्षों में देश ने निश्चित रूप से प्रगति की है, मगर क्या वो मन जो उस समय हुआ करते थे हमारे नेताओं के, वो आज मन में है क्या? नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मगर उनके मंत्रिपरिषद में दो ऐसे सदस्य भी थे जो इलेक्शन जीत कर नहीं आए थे, उनके विपरीत भावना के थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनसे उनके विचार नहीं मिलते थे, उसके बाद भी उनके सदन में थे। वो जानते थे विपक्षी होने के बाद भी यह देशभक्त है, वो कम से कम वो ये विचार तो रखते थे। 1971 की लड़ाई के बाद 72 में जब सोवियत संघ में भारत का प्रेजेंटेशन देना था, तो इंदिरा गांधी के सामने कांग्रेस का मेंबर वहां रिप्रेजेंट करने नहीं गया था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था। क्या ये भावना है हमारे अंदर कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, हम उनको बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम साथ मिलकर काम करते हैं? तो आज के दिन क्या हम कसम खा सकते हैं कि आने वाले काल में, चाहे हमको कार्यशैली पसंद हो या ना हो, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मगर हमारे मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट एक है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है और इस संस्थान का नाम नंबर एक पर ले जाना है। हम यहां बैठकर उन चीजों की चर्चा करें जो हमारे अप्रोच से बहुत बाहर है, निश्चित रूप से वही चीजें हमें प्रेरणा देती हैं, और उनकी प्रेरणा से हम अपने कार्य को अगर करते हैं, तो अपने काम कार्यों में जो खामियां हैं, वह अगर आज भी हम ठीक कर लेते हैं, तो जब जागे तब सवेरा निश्चित रूप से यह पूरा होता है। इस संस्थान में पिछले लगभग 3.75 वर्ष से हम आप सबके बीच में हैं,
शायद ये पहला मौका है जब मैं 26 जनवरी को यहाँ पर हूँ। मेरा सौभाग्य है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ निदेशक महोदय को कि मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया। मेरी भावना जुड़ गई है यहाँ से। मेरे पिताजी के नाम से एक मल्टीपर्पज हॉल यहाँ पर बन रहा है। निश्चित रूप से जीवन भर का संबंध इस संस्थान से मेरा हो गया है। आज कुछ घोषणाएं में भी मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूं, अगर यहां आगे आने वाले निदेशकों और आगे आने वाले बोर्ड के चेयरमैन ने लगातार कंटिन्यू रहने दिया तो मेरी ओर से मेरे पिता के नाम से बेस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट सुरक्षा कर्मी अवार्ड, बेस्ट कर्मचारी अवार्ड और समस्त टॉपर्स को, हर ब्रांच के टॉपर्स को अवार्ड दिया जाएगा। उसकी तिथि जो भी संस्थान निर्धारित करेगी वह तिथि रहेगी। मैं सेंटिमेंटल हूं, इमोशनल हूं और अपने काम में भी बहुत बार इमोशंस का से जज्बाती होकर काम करता हूं, तो हो सकता है मेरे कार्यों से किसी की का मन दुखा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। परंतु निश्चित रूप से हर कार्य को करते समय यह निश्चित ध्यान में रखा गया है कि हमारे वायलॉज क्या कहते हैं, हमारे नियम क्या कहते हैं और हमारी ड्यूटी क्या है, और उस ड्यूटी को निभाते हुए हो सकता है किसी के साथ कुछ हार्ड हो गया हो मगर मुझे ध्यान नहीं आता। अगर किसी ने शिकायत मेरे पास आकर की है तो मैंने उसको निश्चित रूप से संवेदनशील तरीके से उसको लिया है और आगे बढ़ाया है। इस संस्थान में बहुत सारी प्रगति इन 3 वर्षों में हुई है जो सब आपने देखी है। हर साल का आकलन होना चाहिए, पहले वर्ष जो प्रगति हुई, दूसरे वर्ष जो प्रगति हुई वो उससे अच्छी हुई, परंतु इस कोरोना काल में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम प्रगति में कुछ कार्य हमारे बाकी है। वो दिन दूर नहीं, यदि हम सब चाहेंगे तो इस संस्थान को NIT या IIT का दर्जा आप सबकी मेहनत से मिल सकता है। यह जरूरी नहीं, हो सकता है हम अपने आप को कम आंक रहे हों, परंतु कोई IIT में या NIT में कोई ऐसा विशेष नहीं होता है कि जो हमारे यहां नहीं है। 240 एकड़ का यह कैंपस है, हम देखते हैं चारों तरफ से जंगल पड़े हुए हैं, उसमें कार्य करना, हम किसानों की तारीफ करते हैं, क्या एक मॉडल हम तैयार नहीं कर सकते, क्या इस पर हम विचार नहीं कर सकते कि हम 5 एकड़ का एक मॉडल यहां तैयार नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है या नहीं करती है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करने से आपको कोई रोकेगा कि 5 एकड़ में हम एक समूह बनाकर उसमें कुछ पैसा इकट्ठा करके उस पर कुछ पैदावार करते हैं और एक मॉडल तैयार करते हैं और बुंदेलखंड के किसानों को आकर यहाँ पर टीचिंग करते हैं, तो कोई संविधान, कोई नेता, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई अधिकारी इस बात के लिए नहीं रोकेगा। ऐसे हमारे मन में विचार रहते हैं, अगर आप सबके सहयोग रहते हैं और सिर्फ ये कि हम अपने टाइम से आए और अपना काम करके चले गए, संस्थान के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे त्योहार को, ऐसे उत्सव के मनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। ये सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है कि 26 जनवरी आई, हमने ध्वजारोपण किया, मिठाई खाई और अपने घर चले गए। हाँ, हमारे निदेशक महोदय इतने कंजूस हैं कि आज मिठाई भी नहीं मंगाई होगी। भाई ठीक है, सरकार का पैसा जरूरी नहीं कि हम खराब करें, मगर हम इतना तो खा पी तो सकते ही हैं, मिठाई तो बांट ही सकते हैं, अपने पास से भी बांट सकते हैं।
बहुत सारे ऐसे कार्य अभी पेंडिंग है, अगले 6 महीने के कार्यकाल में और 6 महीने का मेरा शायद कार्यकाल बचा है। इस 6 महीने के कार्यकाल में मुझे लगता है शायद एक 15-20% समस्याएं यहाँ की और हैं मेरे सामने। मैं समझता हूं कि इस कार्यकाल में वह भी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और प्रोग्रेस की तरह जिस तरह से हम लोग बढ़े हैं, अगर शासन का सहयोग मिला तो निश्चित अपने ही कार्यकाल में या तो यूनिवर्सिटी या NIT या IIT जो सरकार ने हमें जिसमें सहयोग किया उसके लिए हम लोग आपके सहयोग के साथ अग्रसर होंगे। आप लोगों से बस यही वादा चाहिए कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारीगण हो, चाहे हमारे यहां मालीगण हो, चाहे सुरक्षा कर्मीगण हो, उनकी ड्यूटी कम नहीं होती। यह सिर्फ निदेशक अकेले का कार्य नहीं है। अगर आप इस संस्थान को सजा कर रखते हैं तो हमारे किए हुए कार्य का 200% दिखता है। सुरक्षा कर्मी अगर अपने अपने वहां से अंदर से कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है, अंदर तक यहां आने पर वो अपनी जगह पर अलर्ट रहता है, उससे ये पता लगता है कि यह संस्थान कितना जागरूक है, कि यहाँ का सुरक्षा कर्मी भी हेल्पिंग भी है और अपनी सुरक्षा के कर्म के प्रति भी जो है सजग है। अध्यापक अगर टीचिंग का कार्य कर रहे हैं तो वह भी पूरे टाइम कर रहे हैं। कुछ लोगों की आदतें खराब है, मैं यहां नहीं कहना चाहता हूं, मगर निश्चित रूप से उन्हें सुधारना चाहिए। और ऐसे लोग जो रिटायरमेंट के करीब हैं, वो ज्यादा उनको सुधारना चाहिए। इसलिए अपना आकलन, स्वतः स्व आकलन आज के दिन बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। जिस तरह ये चूड़ी की खनक स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाती है, उसी तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि इमोशंस प्रोफेशनल ड्यूटी की नेचुरल ड्यूटी बढ़ाती है। आपने कहा मतभेद हो पर मनभेद ना हो। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर इंस्पायरिंग स्पीच। अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। मैं चेयरमैन साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, वो आज 26 जनवरी के इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने बहुमूल्य विचारों से हमें प्रेरित किया। ऑनरेबल डायरेक्टर प्रोफेसर वी के त्यागी सर, जिन्होंने बहुत ही मल्टी डायमेंशनल आस्पेक्ट्स पे बात की, जो हमेशा ही करते रहते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे सभी शिक्षक साथीगण, सभी नॉन टीचिंग कर्मचारीगण, यहाँ पे उपस्थित सभी जवान और इस कैंपस को बहुत ही सुंदर मेंटेन करके रखने वाले हमारे सभी कर्मचारीगण, चेयरमैन साहब के साथ आए हुए हैं उनके असिस्टेंट ड्राइवर, इस प्रांगण में उपस्थित हर वो व्यक्ति, हर वो लाइफ थिंग, मैं सभी का इस कार्यक्रम में धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी। और संस्थान की ओर से, मेरी ओर से, और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस जो इस कार्यक्रम को पूरी तरह से शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और आज हमें 10 बजे से शायद सर अभी चलना है वहाँ पे पुस्तकालय, नए पुस्तकालय में वृक्षारोपण का समारोह है। मैं आप सभी से निवेदन करूँगी कि वहाँ पे पहुँच जाए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और वृक्षारोपण करे, इस कैंपस को, इस देश को
और भी खूबसूरत बनाए। थैंक यू वेरी मच।